एक किलो नाजायज स्मैक के साथ पकड़ा गया है। एक करोड़ से लेके सवा करोड़ तक का मार्केट वैल्यू है। बट आम जनमानस से जो हमारा नॉलेज है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। काशीपुर पुलिस ने काम करते हुए बहुत ही बेहतरीन हमारे सफलता हासिल किया है। साथियों मैं बता दूं, उत्तराखंड की पुलिस की इतिहास में सबसे हाईएस्ट स्मैक रिकवरी आज हुआ है। काशीपुर पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए नॉर्मल चेकिंग के दौरान, मतलब आकस्मिक चेकिंग के दौरान ढेला पुल से अभियुक्त है सुल्तान खान पुत्र स्वर्गीय मुन्ने खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी जो है बांसपोड़ा, उसको एक किलो नाजायज स्मैक के साथ पकड़ा गया है। अगर इसका मार्केट वैल्यू अगर होलसेल टाइप ही हम ले ले तो लगभग एक करोड़ से लेके सवा करोड़ तक का मार्केट वैल्यू है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल चैनल से। काशीपुर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ यूं कहें कि राज्य बनने के बाद अब तक किसी कोतवाली पुलिस ने 1,25,00,000 रुपए से ज़्यादा की जो है अवैध स्मैक बरामद की है। इसी के साथ आज खुलासे भी किया हमारे साथ कुछ जिले के कप्तान SSP मंजुनाथ डीसी जी ने। सर सबसे पहले बात तो 2025 में एक नशा मुक्त अभियान के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है और दृढ़ निर्देश है कि इस प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। उसी दिशा में काम करने के लिए लगातार DGP महोदय और DIG महोदय निर्देश देते रहते हैं। आज काशीपुर पुलिस की संपूर्ण टीम द्वारा उनकी मेहनत और लगन के लिए बहुत बेहतरीन उपलब्धि मिली है। बड़े गर्व का विषय है कि आज काशीपुर थाना पुलिस को उत्तराखंड की पुलिस इतिहास का हाईएस्ट स्मैक रिकवरी हुआ है। तो इस साल का तो हाईएस्ट है ही और पूरे इतिहास में भी बहुत हाईएस्ट स्मैक रिकवरी है। 1 किलो 24 ग्राम स्मैक रिकवरी हुआ है। अगर बाजार मूल्य के हिसाब से ही बात करेंगे तो 1 ग्राम स्मैक जो है 12,000 से ऊपर है, तो लगभग 1.25 करोड़ से भी अधिक, कम से कम भी 1.25 करोड़ से भी अधिक वैल्यू का स्मैक है। तो ये बहुत बेहतरीन अचीवमेंट है, बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है, जिसमें हमारा पूर्व SOG इंचार्ज रविंदर बिष्ट है, हमारा सुनील सुतेडी, प्रदीप मिश्रा, SHO मनोज रतूडी, देवेंद्र सामंत और कांस्टेबल सुरेंद्र अनिल, बहुत सारे लोगों का काम है इसमें। तो बेहतरीन उपलब्धि है, बड़ा गर्व का विषय है। दो बातें मैं बोलना चाहूँगा, ये रिकवरी खाली रिकवरी नहीं है, करोड़ों रुपए का माल का मतलब वैल्यू का स्मैक का रिकवरी है। इसका मतलब ये भी है कि कई हजारों परिवार, 1 ग्राम को कम से कम 4-5 लोग यूज़ करते भी है, तो 5,000 परिवार नशे की चपेट में आने से बची हुई है, इसको ये बड़ा उपलब्धि है। और दूसरा जो है, इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो जो है एक हमारे काशीपुर के पूर्व की बहुत बड़े लेवल की सप्लायर थी रेशमा करके, उससे कनेक्टेड है करके उसकी पूछताछ में आई है। वो सारे उस दिशा में भी हम काम करेंगे, केवल रिकवरी पे हम रोकेंगे नहीं। सेक्शन 59 NDPS एक्ट का प्राविधान का भी हम एग्जामिन करेंगे, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जो नाजायज संपत्ति इन्होंने कमाया है NDPS बेच के, वो सबकी चिन्हीकरण होगा, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है कि किस तरह से जो लगातार आपकी मॉनिटरिंग भी रहती है कि जो अवैध नशे से जो लोग जुड़े हुए उन पे हथौड़ा चलाया जाए, तो उसको लेकर किस तरीके से आपसे अपील करना चाहिए? देखिए टीम वर्क होता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, नशे का विरुद्ध जंग में केवल पुलिस एक भागीदार नहीं है, पुलिस का लिमिटेड रोल रहता है। हम जो है बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करेंगे, बड़े से बड़े रिकवरी करेंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे, जिसमें 58 NDPS हो या पिट NDPS हो, गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, संपत्ति जब्त करेंगे, संपत्ति ध्वस्त करेंगे। परंतु नशे के खिलाफ जो जंग है वो त्रिशूल कहा जाता है, त्रिशूल जी। पहला है आपका अवेयरनेस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे। मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों की स्कूल की पाठ्यक्रमों में आ जाना चाहिए कि नशा के विरुद्ध जो है अवेयरनेस जो है वो पाठ्यक्रमों का पार्ट हो जाना चाहिए। इतनी व्यापक लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए, हर नुक्कड़ नाटक और जो भी त्यौहार जुलूस होता है हर जगह पे नशे का थीम्स होना चाहिए जी। दूसरा आपका एनफोर्समेंट, जो हम काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करना चाहिए, प्रिवेंटिव काम करना चाहिए, गैंगस्टर बनाना चाहिए और इनकी आर्थिक कमर को तोड़ना चाहिए जी। तीसरा हमारा रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन में भी हमें साइंटिफिकली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जिसको लत लग जाता है वो इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है पर वाकई में वो आदमी नशे से बाहर आना बहुत ही मुश्किल काम है जी। तो उसको रिहैबिलिटेशन पे भी हमें फोकस करना चाहिए, तभी ये जो देश और प्रदेश हमारा नशा मुक्त बनेगा और अच्छा बनेगा ही। सर सुरागीलाल से बात करने के लिए धन्यवाद आपका सर।
तो आपके हमारे साथ जिले के पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम जारी है, साथ ही यूपी को, साथ ही जो लोगों को है अवेयरनेस करना भी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।